नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने मटर ले लिया है। मसाले में हम अदरक, लहसुन और 4 हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। दाल बनाने के लिए हम मटर को आधे मटर को पेस्ट बनाकर और आधे मटर को साबुत रखेंगे। पेस्ट हमें दरदरा बनाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने मटर का पेस्ट बनाकर रख लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से मटर का पेस्ट बनाना है दरदरा। दाल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसमें ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता और 1 चुटकी हींग डालकर इसे भूनेंगे। और अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और साथ ही में ये मैंने 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर का मैंने पानी में घोल कर रख लिया था। अब हम इसे डालेंगे। अब हमारे मसाले भुन गए हैं और अब हम इसमें मटर का पेस्ट डालेंगे, जो हमने मटर का दरदरा पेस्ट बनाया था, और इसे डालकर हम भूनेंगे। और साथ ही में हम अपने खड़े मटर भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें भूनते हुए ही नमक डालेंगे। नमक हमें बिल्कुल कम डालना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे मटर का पेस्ट और मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अब हम इसे ढक देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा दाल हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये दाल बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।